मुंबई, जहां कुछ साल पहले लोकल गुंडों का बोलबाला था, आज यहां इंटरनेशनल माफिया का राज चलता है। यहां का सारा कारोबार इकबाल हटेला संभालता है। महाराष्ट्र के विदर्भ के छोटे से गांव का रहने वाला बबन राव गाय तोंडे आज इंटरनेशनल डॉन अली पाशा बन चुका है। उस तक पहुंचना नामुमकिन है सर। ये सटम कौन है? वो मुंबई का हार्बर एरिया संभालता है। अली पाशा ने उसका धंधा चौपट कर दिया है, इसलिए मुंबई में इनकी वजह से आए दिन गैंग वॉर होता ही रहता है। सटम का खास आदमी है गणपत। ये ब्लेड से गला काट के सटम के हर दुश्मन को ठिकाने लगा देता है। उसकी ब्लेड की धार का कोई वार खाली नहीं जाता। ये गैंग मार धार, लूटपाट, खून खराबा करते हैं, पर इसके बावजूद इन्हें पॉलिटिशियंस का सपोर्ट भी मिलता है। आज के मुख्य समाचारों में, अब्दुल अजीम शेर खान को शहर के नए एसीपी के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कुर्सी संभालते ही अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। चल, 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 अंदर चल। एक आदमी को ठोकने का है। नाम? ढींगरा। काला चौकी वाला? हाँ, साला बहुत दिनों से दिमाग पे जा रहा है। साइनिंग अमाउंट आ गया? तो मैं से कौन मारेगा? हम में से कोई नहीं, जग्गू उसी के इलाके में दौड़ा दौड़ा कर मारेगा उसे। ओलंपिक में इतना भागेंग तो मेडल मिलेंग, तुम सलाम को क्या देंग? अबे कौन है तू? शेर से उसका नाम नहीं पूछते। तेरी जात का? अबे साले कौन है तू? नाचीस की तारीफ लंबी है, उम्र कम पड़ जाएगी। साले मेरे सामने जबान चलाता है, ऊपर पहुंचा दूंगा। ऊपर तो तू पहुंचेगा, एडवांस पेमेंट अपन कभी रिफंड नहीं करता। ए, शटर बंद कर दो। अबे खजूर, why doing so much मेहनत? ढेंगरे की लाश पिंजरे में सड़ाएगा क्या? शमशान जाने को यही एग्जिट है। बंद कर। ए, हट साले। बंद अकल के ताले चाबी फेंक दी। तुझे तो आज मैं खल्लास कर डालूंगा। तेरा भुना गोश्त तो अपुन बनाएगा। What I सोचिंग, बकरे की धुलाई करूं या सीधा हलाल करूं? अबे साले। अबे हज्जाम, कभी जेल में पत्थर नहीं तोड़े? मैं टिफिन दे के आता हूँ, तुम लोग यहीं ठहरो वरना बापू भड़क जाएगा। पापा आपका खाना। बरखुरदार, दो दिन से कहाँ गायब थे?
फोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा? भाई एक मिनट अभी आया। किधर कल्टी मारेंग? ओ क्या है ना, अंदर शीला मुन्नी चिकनी चमेली साइज जीरो बना रही है। चले भी भाई नहीं है? अपनी वाली भी 36, 24, 36 बन गई है। लो इस 420 की भी एक आइटम है। बापू उसकी एक फ्रेंड भी एकदम टकाटक। अपन वहीं करेगा फिटिंग जहां अपना हार्ट सुपर फास्ट बीटिंग, इसे तो अपन कच्चाइटिंग। ये लचकती कमर मस्त मस्त। चल जाए ना कहीं ट्रिगर। ये तो नरम डबल मस्का पाव है। हैवी डोज। 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3 change 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 And now 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 लगता है इनकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? हर वक्त आवारागर्दी करते हो। तुम्हारे उन निकम्मे दोस्तों को तो कुछ काम है नहीं। एक्सक्यूज मी सर, वहाँ खिड़की पर कुछ लड़के खड़े हैं, कब से हमें घूर रहे हैं। तो हम शुरू करें? ओके नाउ स्टार्ट। 1, 2, 3, 4 ए हटो वहाँ से। 6, 7 सुनो साले आइटम देखने देना। ये सब क्या चल रहा है? ए बापू आ गया। कोई तमीज नाम की चीज है कि नहीं? अपने इन लफंगे दोस्तों को लेकर बाहर निकलो निकलो। चलो यहाँ से मवाली कहीं के। किसी दिन मरवाओगे यार। इन हसीनाओं का फिगर हमें भी तो देखने दे यार। तेरा बापू तो रोजी देखता है। टू मच। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आनंद है सर, ड्यूटी जॉइनिंग रिपोर्ट। गोली चढ़ानी आती है। अपने बैच में फर्स्ट था सर। वहां से गन उठा, लोड कर। हो गई सर। मेनू शूट कर। सर शूट। सर आप ये क्या कह रहे हैं? जाने दे, मैं ही तुझे शूट करता। नहीं सर, बहुत टाइम पास कर रहा है, उठा बंदूक शूट कर। छड़ी यार, चल अब इस बोतल को ही शूट कर। 1, 2, 3 अरे क्या हुआ खोते? आप सामने है ना सर। ओए तुझे वर्दी किसने पहना दी? ट्रेनिंग के वक्त जो गन दी जाती है वो नई होती है, लेकिन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद पुलिस स्टेशन में जंग लगी हुई पुरानी गन मिलती है और गलती से मिस्टेक हो जाती है। ओए साले, खामखा टाइम खोटे किया। हवलदार बनने से तो अच्छा होता कि घर बैठे भजिया तलता। ओए समझे कि ना? समझ गया सर। गांव कौन सा है थारा? रामपुर सर। रामपुर, वहां की तितलियां काफी नमकीन हुए। हाँ, काफी फुदकती है सर। मारे खातिर एक पान लेके आ। यस सर। ओए चुना काम। सर आपसे ही मिलने आए। नमस्ते सर। सर मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं बिल्डर हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने 4 एकड़ जमीन खरीदी है। एक गुंडा रोज फोन करके पैसों के लिए धमकी दे रहा है। नाम क्या है उसका? जय सिंह। जय सिंह? जी हाँ सर। ठीक है, उसे मरने पर छोड़ दे। थैंक यू सर। बोलिए सर। एक बिल्डर विश्वनाथ अभी अभी आया था, सुना है कि तूने उसे पैसों के लिए धमकी दी है। हाँ साला, लेकिन सुनता ही नहीं है। फिर से फोन कर उसे, बोल पैसे ना दिए तो जान ले लूंगा। जैसा आप बोलो सर। किसने की ये हालत? जग्गू नाम था उसका। कब पड़ा तुझे? एक हफ्ते पहले। अब बता रहे मुझे? अब बता रहे? मेरी हिम्मत नहीं होगी आपके सामने आऊं। इसके नाम से लोगों की पतलून गिली हो जाती है। अपुन के आदमी पे हाथ उठाने का मतलब है भाई के गाल पे तमाचा मारना। ढूंढो उसे और खत्म कर दो, जाओ। ए रुक जा, ए हटेले। शटर बंद करके 10 को धोया है उसने, साला पहुंची हुई चीज लगती है। उसे अपनी गैंग में शामिल कर ले, काम का बंदा है। ए क्या बोल रही है तू? मुझे मारने वाले को यहाँ पर बुला के सर पे
सर पे बिठा के नचाएगी क्या? बोलने से पहले सोच तो। ए, पका मत। भेजा फिर गया है तेरा। ज्यादा दिमाग पे मत जा, चल निकल यहाँ से। दीदी दीदी, कल्लू कालिया यहाँ आ रहा है। हाँ? आप जल्दी से कहीं छुप जाओ। काला कलूटा यहाँ आ रहा है। गाना बहुत ही रोमांटिक है। कल्लू का तोहफा तुम्हारे लिए। क्या ये है म्यूजिक मशीन आईपॉड। मेरे जैसे हैंडसम आजकल यही यूज करते हैं। आईने में शक्ल देखी अपनी? कुछ ज्यादा ही बोलता है, बहुत बदमाश है ये। मम्मी का है? मम्मी, आंटी जी, इस कॉलोनी की मीठी लड़की ने मुझे चिट्ठी लिखी है, पढ़िए ना। देखो मुझे खाना बनाना है, मैं नहीं पढ़ सकती। ओ, मम्मी का दिल कितना बड़ा है, वो चाहती है अंजलि के साथ मैं डिनर करूंगा, लेकिन इससे पहले पढ़ तो लीजिए। लो मैं पढ़ता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। डियर यंग एंड डायनामिक चार्मिंग हीरो ऑफ अ कॉलोनी, कितना पॉपुलर है। कल्लू, शायद आप नहीं जानते, आपके बगैर मेरी नैया बीच भंवर में फंसी है। शर्मिंदा मत कर यार। आपकी वॉकिंग स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल और हेयर स्टाइल देखकर गैस पर रखे हुए मटर छोड़कर मैं आपको लेटर लिख रही हूँ। वो तो है, मेरा दिल होले होले धड़क रहा है। आई लव यू। आपके लिए मैं ही नहीं, इस कॉलोनी की कोई भी लड़की आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। प्लीज मेरे सिवा किसी को अपना दिल ना देना, वरना मेरे हॉस्पिटल का बिल तुम्हें ही पे करना होगा। आपकी निराली, जो सिर्फ आपकी ही है। ये लड़कियाँ तो मेरे पीछे नहा धोकर पड़ गई है, दूध पीने की उम्र में प्यार कर बैठी है मुझसे। अरे भाई, कोई मुझसे भी तो पूछो। हाँ, अगर अंजलि की एज की होती तो शायद मैं कुछ सोचता। पर इस सोसाइटी में निराली नाम की कोई लड़की नहीं अंकल। ए, डोंट कॉल मी अंकल, तेरे से दो साल तो बड़ा हूँ मैं। कल्लू, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। आंटी जी, दिन भर में ना जाने कितने ईमेल, कितनी चिट्ठियाँ, कितने मिस कॉल आते, अब किस किस को डेट करूँ मैं। मैं तुम्हें एक आइडिया दूँ। हाँ। बस अब तुम शादी कर लो। आंटी जी राजी है? तुम्हारा क्या ख्याल है? एक साल और वेस्ट करोगे तो बुड्ढी भी नहीं मिलेगी। जरा ब्रेक लगाई। ब्रेक डाइवर्जन, क्या गाड़ी है, क्या बॉडी है। आई हैव अ ब्यूटीफुल फेस ऑन टॉप, प्लीज सी दैट टू। चल जग्गू, निकल यहाँ से। कुछ भी बोल बेटा, तेरे बाप की किस्मत बड़ी अच्छी है, रोज ऐसी सुंदर तितलियों को देखता है। बुड्ढे की तो लॉटरी निकल आई है। मुझे असिस्टेंट, रॉन्ग नंबर लगिंग। नहीं सुधरोगे। ये सब क्या हो रहा है, कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? सड़क पर लड़कियों को छेड़ते हो, लफंगों के साथ घूमते हो। तुम्हें कितनी बार कहा है उनके साथ रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। पापा, आपकी बस आ गई। पता नहीं कब सुधरेगा। छोटे, अपनी दोस्त स्पेशल बना। अभी बनाता हूं सेठ। ये इधर जग्गू कौन है रे? अरे बोलना, तू है क्या? साला बहुत दिमाग में गया है। जिस दिन मेरे सामने आया ना, काट के रख देगा उसको मैं। अबे बोलना, मुंह में जबान नहीं है तेरे, साले के हाथ पे तोड़ देगा। अरे सांड, जग्गू वांटिंग। कौन है बे तू? वन पंच पड़ते ही आंखों की हेडलाइट हिल जाए, दूसरे में स्पेयर पार्ट ढीले पड़ जाए, वो 2.5 किलो का हाथ जग्गू का ही होगा। अंडरस्टैंडिंग? शाला बनता है साले। स्त्री खराब हो रही है तेरी तो। बैठ जा। इसको इतनी इज्जत देकर मेरी इज्जत का फालूदा क्यों बना रहे हो तुम लोग? छी। काम करेगा हमारे लिए। अपुन किसी के लिए काम नहीं करता, वन मैन शो है अपुन। काम बोल और माल तोल। तू जैसा सोच रहा है वैसा चिंदी चोरी का काम नहीं है ये। इसके लिए कलेजा चाहिए। पुलिस से तेरी फट गई तो बाप को खंबा गाड़ना सिखाएगा। तू इस लाइन में बच्चा है, अपुन यहीं पला बड़ा है, अपुन की किसी से नहीं फटती। अगर दिमाग सटका तो किसी को भी मारेगा ना। अरे
तेरे सामने तेरे पंटर को बजाया, कॉलर पकड़ा था साले ने अपन का। इफ अपना माथा सटकेंग तो ऐसे एक डजन को अपन पटकेंग। फ्री में मैं इतना ही मारता हूं, माल फेंक फिर दे किसे गाड़ दूंगा। दूध के दांत टूटे नहीं और खून की होली खेलने आ गया। अगली बार नो टाइम वेस्ट, कट टू कट सीधे पॉइंट पे आने का। जा रहे लाऊं। ए, इतनी भी क्या जल्दी है? मन करता है कच्चा खा जाऊं। हो यू, कौन तू? सोनिया। काम आएगी। गन चलाना जानता भी है क्या? ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। दिवाली होली में ऐसी बंदूकों से खेलता हूं, अगर किसी दिन सैंपल दिखाना हो तो तुझे भी ठोक डालूंगा। बंदे में बहुत दम है। ऐसे गर्म जोश वाले बंदे ही तो काम के होते हैं। आहा, एक ही टूटा। शांत तिवारी, उसने भी मेरे यहाँ मारी। ये हम सबको एक दिन ठोक डालेगा। दे दे माई, दे दे बाबा। सफेद शर्ट वाले बाबा घूरते ही रहेगा या कुछ देगा अभी है? कैश दे दे, तेरे नाम पे ठंडा पीऊंगा। चल चल आगे बढ़। जाता हूँ भड़कता है। आजकल तो सब बेरोजगारों ने भीख मांगने को प्रोफेशन बना रखा है। काले चश्मे वाले बाबा कुछ दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बिरयानी खाने के लिए कुछ दे दो। चल आगे चलना। अरे जाता हूँ, इतने भड़कते क्यों हो? कड़के हो तो मेरे साथ मिलकर भीख मांगो। आ जाओ। अबे जाना नहीं तो कान के नीचे दूंगा। कहाँ से आ जाते हैं? ए भिखारी आगे जा, छुट्टा नहीं। चिरकुट, तू क्या भीख देगा? तू भीख देने नहीं लेने के लायक है, समझा? साले चपड़गंजू, भीख मांगेगा तो भी नहीं दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा। पैरना पैरना। अरे हटा दिया। अब इस डंडे से तेरी बत्ती से बाहर निकालूंगा। हट हट हट। तुझसे मैंने भीख मांगी क्या? इस फटीचर टीचर से मांगा ये खुद भिखारी दिखता है। इस बुड्ढे चश्मे से मांगा, इसके पास तो अंडरवेयर खरीदने के पैसे नहीं है। ये तो शक्ल से फटीचर लगते हैं, लेकिन तू किस खेत की मूली है जो तू मना कर रहा है? क्या तेरे पास इस उंगली का जवाब है? तू जानता नहीं है ये उंगली कितनी तीखी है। अबे कई उंगलियां देखी, अभी उठा के दे। अबे काना उठा के दे। क्या ये बाबा आदम के जमाने का कटोरा है? कटोरा तेरे लिए होगा, ये अलादीन के चिराग जितना कीमती है। जला उठा के दे। दिमाग का भाई है। उठा। अब तो यहाँ से 9-11 हो जा, मैं बहुत ऊंचे दर्जे का भिखारी हूँ। तू जानता नहीं मेरी पोस्ट कहाँ है? चुप, फिर से ऊपर की पोस्ट है, भिखारियों का चेयरमैन हो क्या? ए, बात करता है। जा, 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 जा। ओए, ओए, गड़ी रुक, गड़ी रुक। आराम से छोरी, आराम से। नाम क्या है तारे? अंजलि। अंजलि कहाँ चली? अरे अरे अरे, बड़े जवानी माँ पाँव फिसल जावे है, संभल के। और तू जा कहाँ रही थी? जिम के लिए जा रही हूँ। जिम को जावे है तू? थारे को की जरूरत, फिगर तो टकाटक है। और कौन खुशकिस्मत है जिसके लिए खुद को इतना मेंटेन करके रखा है तूने? सब मुझे जाना होगा। इतनी की जल्दी है? कभी कोई गेस्ट हाउस में गई है क्या? नहीं सर। तो फिर चलें? क्या कहा? ठिकाना कहाँ है तेरा? क्यों? पुलिस ले, पता लिख। ओए पल्ले ना पड़े, पता लिख। फोन नंबर। वो क्यों चाहिए? पुलिस। अरे आनंद। यस सर। इस छोरी को देखकर तो मन में आनंद आ गया। वैसे अंग्रेज लोग केले गए थे हमारे यहाँ? कोई नहीं, डायमंड सर। घंटा ले गए थे। वो देख सामने, पूरा का पूरा कोहिनूर ही कोहिनूर। किसका खेल खत्म करना है? तट्टम का आदमी है। सुन, देखते ही खत्म कर देना साले को। फिकर नॉट भाई, आते ही खबर कर दूंगा भाई, टेंशन मत लो। अरे सुन, माची से आगे बढ़। सुनाई नहीं दे रहा माची से क्या? तेरी जात का साले। कौन है तू?
कौन है तू? ए क्या हुआ रे? पुलिस आई भाई, भाई पुलिस आई। पुलिस? कौन था तू, किससे बात कर रहा था? बोल, बोल। सर, सर, एनी प्रॉब्लम सर? यहाँ पर किसी के मर्डर की प्लानिंग चल रही है, जाओ पता लगाओ। ओके सर। अरे इलाके में बदमाशी करता है, ओए गड्ढे निकाल। वही है, वही है। पुलिस, ए फटो गिली मत कर अपनी। इकबाल तू उसका गेम बजा, पुलिस को अपन पे छोड़ दे। अबे पागल हो गया क्या? अरे, अबे चुप करेगा। हिलना मत, मैं तेनू बोल रहा उधर ही रुक, रुक, ओए रुक। ए की रिवॉल्वर है, है? वहां पड़ी थी, आपको देखा तो देने चला आया। कैसे मिली? इधर इच, पहले लगा बच्चों के खेलने की चीज है, फिर ट्यूबलाइट जली तो डाउट गया असली। ये शाने मार साले को, जल्दी गुस्सा जा तू। ठिकाना कहाँ है? चूना भट्टी। कैथे से आ रहा है? दाल भाटी खा के। दाल भाटी? सूरदास में चूना लगा रही है। ए, इधर आ, इधर आ। मैं? हाँ थारे को कह रहा हूँ इधर आ। हवलदार एनु पूरी तरह चेक कर। यस सर। थारी तलाशी तो मैं लूंगा, अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी थारी। अपन जा सकता है क्या? ए, तू रुक, बहुत कम से घर जाकर लेटने के लिए लेट हो रहा है। और तेनू मैंने रुकने को बोला। बड़ी जोर की नींद कमिंग सर। देख नहीं रहा, चेक कर रहा हूँ मैं। आपको हाथ उठाने का कोई राइट नहीं है सर। सर चाहे तो आप भी मेरी चेकिंग कर लीजिए। जानता नहीं तू, थ्री स्टार से बात कर रहा है? सर सीधे बंदे को काय को उल्टे हाथ से ले रहा है। मुंह खोला तो सारी दाल बाटी बाहर निकाल दूंगा। वो छोरी कितने गई? वो तो चली गई सर। और मेरी चेकिंग का क्या? क्या हो रहा है सर? ये सब क्या हो रहा है? छोरा गन लेकर जा रहा। कौन है ये? सर, मैंने इन्हें सड़क पर पड़ी हुई रिवॉल्वर ला कर दी और ये मुझी को खर्चा पानी दे रहे हैं सर। सर यहाँ पे एक लाश पड़ी है। उत्तरी उसी ने मरवाया है, पर उसके पीछे एमएलए बाल किशन का ही हाथ है। उसे अली पाशा का फुल टू सपोर्ट है सट्टम भाई। उसके सपोर्ट पर ही तो वो नाच रहा है, हैं? मेरे हाथ लगा तो समझो खत्म। इस बार मैं उस अली पाशा को बकरे की तरह काट डालूंगा। मुंबई में सिर्फ साटम भाई का ही राज होना चाहिए। मेरे नाम को सुनता ही लोगों में दहशत फैलनी चाहिए। ए, पहले उस एमएलए के बच्चे को खत्म करो। बाल किशन जी की जय, गरीबों के दाता की जय, हमारे नेता की जय, बाल किशन जी की जय, गरीबों के दाता की। सर हमारे यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। सुनो, इनकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर करो। मेरे पति बेरोजगार है, हम बहुत मुसीबत में हैं सर। इनके बेटे के लिए सरकारी नौकरी का बंदोबस्त करो, रेलवे या जिसमें भी। आओ मेरे पीछे संभल। कौन है तू? सर हम न्यूज रिपोर्टर। क्या काम है? हम इंटरव्यू लेने आए सर। भूतनी का पहले फोटो खींच। ए चल कैमरा ऑन कर, शूट कर। सर सुना है कि एमएलए बालकिशन के एमएलए बालकिशन को मैंने ही टपका है, कौन क्या उखाड़ लेगा? कोई दुश्मनी थी? साला दिमाग पे जा रहा था, बहुत चैचा चीची कर रहा था इसलिए ठोक दिया साले को। इस मर्डर के लिए आपको जेल भी हो सकती है। अभी अपने हाथ से चार मर्डर बाकी है, उन सबको नींद में सुलाना है। जेल तो अपना बाप भी नहीं जाएगा। अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो? अबे पुलिस तो मेरे पैरों की जूती है, वो एमएलए साला पुलिस वालों से घिरा हुआ था फिर भी ठोक दिया साले को। कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, अब उनसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। एक कातिल टीवी पर खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है, पुलिस और सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, फिर भी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। आम जनता की सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? आप जो चाहें बोलते रहें, लेकिन आप न्यूज वाले जाकर उन गुंडों का भी इंटरव्यू लेते हैं और हमारा भी इंटरव्यू लेते हैं, क्यों भाई? क्या समाज के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को
खुफिया ढंग से अप्रोच करना तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे मिलकर इंटरव्यू भी लेते हैं, अपने पब्लिकेशंस की पब्लिसिटी के लिए, अपने चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे घटिया काम करते हैं आप। सिर्फ आप लोग ही नहीं, आम जनता भी सामाजिक जिम्मेदारी से बचती है। दिन रात आप लोगों की सेवा में तत्पर रहता है हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। आप बेफिक्र रहिए, हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करने के बाद आपको खबर कर दी जाएगी। जस्टिस विल बी डन, यू मे ली। कितनी गर्मी है ए? साले अपनी औकात में रहे, भिखारियों के मेरे बाजू में बैठेगा तू? चलो दूर जाके बैठ। खामोश, तू जानता नहीं है कि ये देश आजाद हो चुका है और इस होटल का नाम भी यही है। अपने आपको ताज का मालिक समझता है। ए, एक कलिंग मलाई मार के। मेरी मलाई मार के। जोर का झटका लगा ना धीरे से। 9 से 5 भीख मांगता हूँ, पर डे की इनकम से हेल्दी खाना खाता हूँ, तुम जैसे प्रोफेशनल से ज्यादा ख्याल रखता हूँ। हेल्थ इज वेल्थ यू नो। लाव पानी दे। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? वैसे भी भागा हुआ साउथ अफ्रीकन दिखता है। पता है मैं कौन हूँ? ऑल स्टेट भिकमंगा एसोसिएशन का एक लौता प्रेसिडेंट हूँ। माफिया के बारे में तो सुना होगा। मैं भिखारियों की माफिया से हूँ। बिना कॉइन के एक फोन लगाऊंगा ना तो तेरा अगवाड़ और बड़ा पिछवाड़ा। हाय हाय जग्गू, तेरा पार्सल आ गया। What you searching? I know देखिंग। Hi, hi Anjali, hi, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे लिए खाली है, आ जाओ, आ जाओ। अरे, अपना फेस देख और बेस देख, अपनी बहन को कोई ऐसे बुलाता है क्या? उस बाल की बात कर रहा है? जानता कौन है वो? कौन है? मेरे होने वाली बच्ची की होने वाली माँ है। Anjali, hi, hi। अबे फुटेज मत खा, हाय तो बोल दे। मैं वहाँ सकती हूँ? ए, काले कलूटे अपना फेस देख और ये मटका देख। जाने जा। थैंक्स। काय को? कल रात को अगर तुम नहीं होते तो कटिंग लोगी? मैं चाय नहीं पीती, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। एनीवेज इट वाज नाइस मीटिंग यू। आई एम Anjali। और तुम्हारा नाम? जग्गू। जग्गू, मेरा दिल करे कुटरगू। कुछ बोली तू? कुछ नहीं, इट्स अ नाइस नेम। ओके, सी यू लेटर। अपन लिखेगा लेटर। ए पकड़ साले। अबे काले राहुल रॉय, बाल की दुकान। अरे कहाँ जा रहा है? ऑटो। रूम नंबर 402 वाले पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो। ओके डॉक्टर। क्या हुआ? क्या बात है? छोटा सा लफड़ा हुआ मैडम को किसी ने चाकू से। चाकू से? इसका मतलब ये पुलिस केस है। पहले आप पुलिस स्टेशन जाइए और FIR लिखवाकर उसकी कॉपी लेकर आइए। फोकट में क्यों भगा रहे हो साहब? पुलिस को बीच में काय को घसीट रहे हो? इनकी मरहम पट्टी कर दो ना। FIR के बिना मैं नहीं कर सकता। समझने की कोशिश कर, लड़की का खून काफी बहरा है डॉक्टर। तो एक बार मैंने तुमसे कहा, समझ में नहीं आया? अगर पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाने से पहले इस छोकरी को कुछ हो गया तो? अगर कुछ हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी भी कुछ बंदिशें हैं। FIR की कॉपी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंडिंग यू बैंडेज बांधिंग। मुझे डरा रहे हो क्या? इधर आओ, इसे बाहर निकालो। जानते हो मैं कौन हूँ? सीनियर डॉक्टर, 5 अवार्ड जीत चुका हूँ। अब अपन दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे। तू अपन पे कंप्लेंट कर, अपन उस लुके पे करेगा। तू आकर यहाँ बाद में ट्रीटमेंट कर लेना। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अभी तू कुछ फिलोसॉफी झाड़ रहा था, उसका क्या? नो मोर फिलोसॉफी, पेशेंट ट्रीटमेंट फर्स्ट। इतनी सी चीज के लिए इतना वायलेंस जरूरी था क्या? तुम्हें जो मारने आया था वो कौन था? कभी बिन भाड़े की पड़ी होगी उसको। वैसे तुम करते क्या हो? You only tell ना what I do. तुम्हें क्या लगता है अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या होगी? I think mostly ग्रेजुएशन की होगी और फिर यहाँ वहाँ चप्पल घिसकर नौकरी नहीं मिली
तो ढाबे पर बैठकर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होगे? Why डरिंग मुझसे? मन में जो है क्लीन क्लीन टेलिंग। बेरोजगार, आवारा, छोलर, टपोरी, मवाली। सही जवाब। इन सब का मैं कॉकटेल हूँ। इस तरह वक्त बर्बाद करने से अच्छा कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? अपन फुल टाइम बिजी रहता है, डे एंड नाइट केमिस्ट की तरह। मतलब क्या करते हो? तुम्हारे लिए डॉक्टर का हाथ काटा फ्री फंड में, किसी और के लिए यही काम पैसे लेकर करता। ये कैसा काम है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपन जानता है तुम थिंकिंग अपन गुड बॉय के बैड बॉय। अपन इस क्लियर कट बता देता है, अपन गुड बॉय नहीं है। नाउ निकलिंग। मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर पुलिस क्यों आई है? हवलदार, घर की तलाशी लो। यस सर। टॉयलेट भी चेक कर लेना। ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है इंस्पेक्टर? पुलिस की चेकिंग है, सब कुछ चेक करना है। पर हमने क्या किया है? मन ने शक है कि इस घर में धंधा चले है। थारे पल्ले ना पड़े, प्रोस्टिट्यूशन, जिस्म फरोशी। आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम लोग ऐसे लोग नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हम इज्जतदार लोग हैं सर। ये फोटो किसकी है मुन्ना? मेरी दीदी की। तारी दीदी? ये बता, इस घर में और कौन कौन है? मैं, मेरी दीदी और मेरी मम्मी। और पापा कैसे गए? पापा नहीं है। बेचारी मम्मी, इस घर में और कौन आवे है? और कोई नहीं। वो ऊपर से जो काला कौवा झांक रहा है, वो कभी चोंच मारने आता है? कल्लू अंकल, कभी कभी लाइन मारने आता है, जैसे आज आप आए। ओए हट, थारे से जरूरी बात करनी है अकेले में। ओए बैठ भी जा, शर्मा मत खा, थोड़े ही ना जाऊंगा। हर रोज साड़ी में ही रहती है क्या तू? घर थारा है? नहीं, किराए का घर है। बेचारी बिना सहारे की घर कैसे चलावे? मेरी बेटी जिम में इंस्ट्रक्टर है। दिखे ना है वो? अभी तक आई नहीं है। डबल शिफ्ट करे है। रोना नहीं, मैं भी रो पड़ूंगा वरना। किस्मत की मारी, क्या बताएं, घर की कुंवारी छोरी तारे लिए तो बोझ के समान होगी। थारा बोझ मरने दे दे। अरे तू भी कोई परी से कम थोड़े ही ना। और सुन, पुलिस वाला यार होगा तो फुल सिक्योरिटी। देख, आपस में बात करके फुल एंड फाइनल कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, वरना जिस्म फरोशी के चक्कर में कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा। ये उम्र मत थारे को अच्छा लगे है के? ओए इस घर पर बराबर नजर रखना। ओए काले कुत्ते। मान्यवर सर, सलाम साहब। सुना है तो इस फैमिली को बड़ा तकलीफ देवे। क्या बोल रहे साहब? अफवाह साहब, बिल्कुल नहीं साहब। ओ अंकल, तू ही है ना? जो बोलना है बोलो अंकल, मत बोलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर लूं मैं। फिर क्यों मारा सर? क्योंकि आज से तो इस घर का होगा कुत्ता। क्या कहा, कुत्ता? इस घर की तरफ कोई आंख भी उठा कर देखे तो मन ने खबर कर। जी सर। और सुन, अंजलि को कोई लाइन भी मारे ना तो मन ने फोन कर। ठीक है साहब, अपना मोबाइल नंबर दो ना साहब। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, खुद ही ढूंढ ले। तारे को घर के बाहर रहना है, अंदर नहीं। वरना अपने घर का कुत्ता बना दिया मुझे साहब। सेफ्टी के लिए तो कुत्ते भिजवा देना साहब। ओए कुत्ते को कुत्ते की जरूरत? जो आप बोलो साहब। अंजलि, हाय हाय हाय। काला कलूटा यहाँ? अरे मेरी अंजलि, रुक जा। अंजलि, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। चलो। हाँ भाई। अरे रुक। पर क्यों? तुम जाओ, हमें काम याद आ गया। अरे 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 रुक रुक, जवाब में हड्डी मारेगा क्या भाई? वो सीढ़ियों से चला जा मोटू, ये लिफ्ट खराब होने वाली है। हाँ हाँ, बोल रहे हो? तेरी पड़ोसन की कसम। अपना मजनू लेला के साथ लिफ्ट में, अब कुछ भी कर लेकिन लिफ्ट रुकना चाहिए।
शॉपिंग? हाँ। और तुम? मीटिंग? मीटिंग? ये क्यों अटकी? इतना झटका क्यों लगा बे? मालूम नहीं भाई, जो नीला पीला मिला उसको काट दिया। अंजलि, अंजलि, किस्मत खुलने से पहले लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए, ये सब उन टपुरियों का काम है। अबे लिफ्ट रुकिंग बीच में, क्या बात कर रहा है? बोले तो 15 मिनट में ठीक करवा देता हूँ। एक घंटा? एक घंटा? ओह माय गॉड, पसीना क्यों छूट रहा है? दम घुटने से मैं मर गई। अच्छा होगा, सारे टेंशन खत्म, घर का किराया नहीं देना पड़ेगा, फोन बिल, लाइट बिल, वाटर बिल, खूबसूरत दिखने का भी टेंशन खलास, पाउडर, लिपस्टिक, काजल, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी ज्यादा मेकअप नहीं करती, बस फेस वॉश करके थोड़ी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। देखो जरा ये चिपचिपा क्या है? ये तो सिर्फ क्रीम है। ओ, मुझे लगा आइसक्रीम है। अरे जल्दी जल्दी भाग मोटे, इतना पेट लेकर और भागूंगा तो लेट जाऊंगा। तुम्हारे पेट और वेट के चक्कर में वो घन चक्कर स्कल्लू के। ओ लाल छड़ी और ओ नीले बोझ, इस झोलर की बातों में आकर हमारे भाई के लव स्टोरी की बैंड मत बजाओ, वरना तुम्हारी ना बज जाए। एक घंटे से पहले लिफ्ट चालू नहीं। अरे इनकी बातों में मत पड़ो, वहाँ उनका टाका भिड़ जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? तुम किसी से प्यार करते हो क्या? तुम्हारा टाका भिड़ा है क्या? वैसा लड़का मिला ही नहीं। कैसा पंटर चाहिए? जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जिसकी अच्छी जॉब हो, शक्ल अच्छी नहीं हुई तो चलेगा। जो अपने पास है उसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ? कुछ कहा क्या? काफी लंबी लिस्ट है तुम्हारी। ओह, तुम्हें देख के पता चल गया धरती का बोझ किसे कहते हैं। चल रहा मामा, आराम से जाना। क्या परेशान आत्मा को और परेशान मत करो। वैसे तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? अब उनकी ये लाइनिच नहीं है। मतलब? नो लड़की लफड़ा, कौन झेलेगा उसकी चाचा चीची। अरे तुम काम कर रहे हो कि पॉटी कर रहे हो? हाँ, हो गया सर। ठीक हो गया, चालू करो चालू करो चालू करो। अबे रुक, प्लान में थोड़ा चेंज है, अब ये लिफ्ट झूलते मीनार की तरह थोड़ा नीचे जाएगी और फिर रुक जाएगी। क्या कोई सर्कस है क्या? भाई को मजे करने। हेलो, मजा आ रहा ना? क्या ठीक है साले, जल्दी रिपेयर कर, यहाँ पारा चढ़ रहा है। फीलिंग ठीक? शैंपू झकास है, अच्छी स्मेल है ना, पर ये हेयर स्प्रे है। मेरे पास और भी 2-3 फ्लेवर्स में है। मेरे पास भी। मेरे मुकानी वाला क्यों छीन रहे हो? अपना भाई भी तो भूखा है। सर लिफ्ट का बटन ऑन करूं? अबे रुक जा, लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर ले जा और दरवाजा झट से खोल दे। अरे लिफ्ट का वॉचमैन कौन है? मैं हूँ सर। तो कुर्सी डालकर अंदर बैठ, बाहर क्या बजा चल रहा है? सॉरी सर। क्या आदमी है यार। अंजलि, अंजलि, अगर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मुझे कुछ नहीं हुआ। पैर भारी तो नहीं लग रहे ना? इतने टाइम में थोड़े होते। मुझे तो लगा मैं बिना शादी के विधवा हो जाऊंगा। चलो अभी तो शादी करनी है, हनीमून पे जाना है, बच्चे पैदा करना है। अंजलि तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? स्टूपिड मम्मी। अबे चल रे शाणे, राग रपाटे किसी और को देना, आज शाम तक 25 पेटी मिल जानी चाहिए। अभी अभी अली भाई के लोग तो लेके गए। यहाँ का भाई सिर्फ मैं हूँ, मैं किसी अली वाली को नहीं जानता। क्या कहा? वो साला अली भाई को नहीं जानता। शाम को 25 पेटी वरना। कौन बोल रहा है? इकबाल। फोन काहे क्यों किया? मीटिंग करनी है। किस लिए? अपन को मिलना है तुझसे, मीटिंग के लिए जग्गो को भी बुलाओ। काहे को? क्या रे, उसके नाम से फट क्यों रही है तेरी साली? चुप कर। चुप रहे, उसे फोन लगा। मैं लगाऊं? हाँ तो ही। डायल कर 9 8 5 6 7।
ए, मेरे पीछे चल। ऐसी हरियाली अपने गैंग में भी होनी चाहिए भाई। सट्टा। एक मिनट रुक। क्या रे? अपुन से सुपारी लेकर तू इसकी गेम बजाने गया था ना? इसी की गैंग में घुसकर आज तू अपुन के सामने बैठा है? पैसा ही अपुन का माई बाप है, तो इससे ज्यादा पैसा फेंक। ऑन द स्पॉट इसका स्पॉट लगाएगा। ए, तेरे को मौत से डर नहीं लगता क्या? इसीलिए तो तू मुझे पसंद है। टट्टम, तेरे इलाके में अपुन काम नहीं करेगा और अपुन के इलाके में तेरा नो एंट्री। ये है पहली शर्त। और अब दूसरी शर्त, ये ब्लेड वाला गणपत, ये हमको चाहिए। मारेगा क्या? फूल पट्टी दे रहा है साला। आजकल टीवी पे आने लगा तो खुद को हीरो समझने लगा। ए शाने, ज्यादा मत बोल, नहीं तो यहीं पे ठोक डालूंगा। ये साला अपने इलाके में आके वसूली करने लगा। 25 पेटी मांगा था, नहीं देगा तो साले को टपका डालूंगा। और ऊपर से कहता अली भाई को नहीं जानता। हाँ सही बोला, नहीं जानता। किस खेत की मूली है ये अली? साले अली का धल्ला है क्या तू? बैठो बैठो बेटो। ये अपुन के इशारे पे काम करता है। इसकी बात छोड़, अली भाई किस खेत की मूली है ये तो अपुन को भी नहीं मालूम। इकबाल अटेले, ये क्या बकवास मीटिंग चल रही है? अपनी खोपड़ी में कुछ नहीं घुस रहा। दसी तो झिंगुर है, टपकाते हुए घर चलते हैं। अबे एड़ी खोपड़ी, अपना मुंह बंद रख। क्या बोलेंगे? अपने पैरों पर चलकर जा नहीं पाएगा। कसम कबूतर खाने की, साले यही पे सुना डालूंगा। ए, कॉलर छोड़। नहीं छोड़ता जा, साले मरने का प्लान बना है क्या तुम लोग? भौंकने दे उसे, तू बोल, ठोक दूं? तेरे कनपट्टी पे बंदूक है साला, तू मुझे ठोकेगा? मुझे ठोकेगा? साला दादा है। ग्रीन सिग्नल दे जल्दी। मेरे को हुलपट्टी दे रहा है तू? स्त्री बिगाड़ रहा है साला। का छोकरा साला मुझे टपकाएगा, मुझे हुल दे रहा तू? अपन कब आया ये जरूरी नहीं, तेरे सीने में गोली कब ठोकी ये? अबे मुर्दे बोला नहीं करते, सोने दे उसे। अबे शाने, अच्छा हुआ ये सब टपक गए, वरना हम सब टपक जाते। इसकी जरूरत है टपकाऊं? ए, मुझे टपकाएगा? धमकी देता है मुझे? भाई ये साला मुझे टपकाएगा, हिम्मत है तो चला गोली। चाहे कितना ओवर एक्टिंग करता है, बचपन की आदत है। फुर्सत में हो बेबी? नहीं बिजी हूँ। लो स्वीट बेबी के लिए स्वीट्स। थोड़ा सा ही लूंगी। अरे 26 से 32 नहीं हो जाओगी, खा लो। पर मिठाई। अरे मेरा फिर से प्रमोशन काम नहीं कर रहे हो, इसलिए प्रमोशन मिल गया क्या? ओए बिना काम के कोई प्रमोशन देता है क्या? मेरी चुस्ती और फुर्ती देखकर मेरे अरबी बॉस ने 25,000 रुपए बढ़ा दिए यार। जब भी मैं अंगूर के पास होता हूँ कोई ना कोई लंगूर टांग अड़ाता ही है। जानो। हेलो। ए, कौन है रे कबूतर? मेरी छोड़ तेरी बता रहा है।
ओए मैं तेरा बाप इंस्पेक्टर सुरताल सिंह। अरे मैं इस घर का कुत्ता बोल रहा हूँ सर। ओए हजाम तू घर के अंदर क्या कर रहा है? बब्बी को फोन दे और निकल। ठीक है सर। आंटी आंटी फोन। हेलो कैसी हो लक्ष्मी? तेरी बेटी से मेरी बात की क्या? आज बहुत ही मूड कर रहा है सर। इस तरह हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे कब तक तारी छोरी को आंचल में छुपा कर रखेगी? दो साल पहले मेरे पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए। उसी दिन से मैं ही नौकरी करके घर चलाती हूँ। मेरा छोटा भाई और मेरी माँ, यही मेरी दुनिया है। पर घर पर कोई मर्द नहीं है तो एक विधवा माँ के लिए अपनी जवान बेटी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों की भूखी नजरों का मुझे रोज सामना करना पड़ता है। अब तो घर से बाहर निकलने में भी मुझे डर लगता है। कल फोन पर किसी ने माँ से बहुत बदतमीजी से बात की और वो मुझे अपनी रखेल बनाना चाहता है। कौन था वो? क्या फर्क पड़ता है? नाम बताओ उसका। तुम इस बात को भूल जाओ। मैं मामला नहीं बढ़ाना चाहती। अब तो मुझे खुद से भी नफरत होने लगी है। नाम बोलो उसका। अगर मैं उसका नाम बताऊंगी तो तुम उसे मार दोगे। मैं अपने पापा को खो चुकी हूँ। तुम्हें खोना नहीं चाहती। सर मैं बिल्डर विश्वनाथ बोल रहा हूँ। उस गुंडे ने मुझे फिर से धमकी दी है। वो बोलता है कि जगह छोड़ के चले जाओ। कुछ कीजिए सर, मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। इस वक्त किधर है तू? नमस्ते सर, आइए सर। कितना मांग रहा है? 50 लाख। जय सिंह मीटिंग करनी है। अरे उससे क्या, घंटे की मीटिंग? अरे तू रूठे का है, तेरी कमी है, तू इधर आ जा। क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ, तू आ जा। MRI कांस्टेबल है रामपुर का। अच्छा? नया नया ड्यूटी ज्वाइन किए और बोले एक रिश्वत नहीं लेगा। अगर ऐसे ईमानदार आएंगे तो हम बेईमानों का क्या होगा? अरे गोली चलाने नहीं आती, फिर भी छोरा शूटिंग में फर्स्ट आया है। और देख जरा जय सिंह को देख, आदमी के बाजू में दम होनी चाहिए। और शर्मा मत, बंदूक निकाल, देखना चाहता हूँ शूटिंग में क्या सीखा तूने। चल निशाना लगा, अब उसके पैरों पर निशाना लगा। अरे गोली यहाँ वहाँ लगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चल लगा निशाना। ओए जाने दे इसको, छोड़, किस पे निशाना लगा? ओए लगा निशाना बराबर। ओए चल 1 2 3। ओए ये लुढ़क भी गया तो की फर्क पैदा, निशाना लगा तू। ओए शूटिंग में क्या सीखा तूने? ओए क्या किया तूने? इसे कुत्ता समझकर मार दिया? और तुझे तो कोई नहीं पूछेगा पर मुझे ऊपर तक जवाब देना पड़ता है, फिर चाहे मर्डर एक को हो या दो। सर गुंडे जय सिंह के शूटआउट में अपना कांस्टेबल और वो दोनों मारे गए। मुझे और पुलिस फोर्स की जरूरत है सर। ओके सर। ओ क्या भाई, कैसा पपलू पाला है? आपके पपलू जय सिंह ने कांस्टेबल को गोली मार दी और उस कांस्टेबल ने जय सिंह को, वो दोनों ही टपक गए और बीच में मैं पिसा जा रहा हूँ। छे ये सारा नाटक मैंने थारे लिए किया है। वो 50 लाख में कौन से अकाउंट में डालूं? ना 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 ना, मैं रिश्वत खोर लागे हूँ तन्ने। मेरी दूसरी बीवी को एक फ्लैट चाहिए था। फ्लैट 1.5 करोड़ का है सर। 1.5 करोड़ ज्यादा है कि जाना? ओए बिल्डर की औलाद, इस एनकाउंटर में तू ना लुढ़के ना उसकी खुशी मना। जल्द से जल्द पद्मावती के नाम पर ये फ्लैट बुक कर दे। हेलो हाँ पद्दू, हमारी एनिवर्सरी पर मैं थारे को एक फ्लैट गिफ्ट कर रहा हूँ। हाय की चिकनी चल रही है। हाय गोइंग घर? इस डब्बे में क्या है? पास्ता था लंच के लिए। कुछ बची? नहीं मैंने सारा खा लिया। फोन नंबर क्यों नहीं मांग रही? तुम्हारा फोन नंबर। आई थिंकिंग ऑफ गिविंग। मैं इसमें मिस कॉल देता हूँ। बैलेंस ना हो तो मिस कॉल देना।
एक्सक्यूज मी, कहिए। मेरी वो आ रहे हैं। कौन? मेरे हस्बैंड बाथरूम गए हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बस में बाथरूम कब से बन गया? मैडम प्लीज गेट अप। क्यों? अरे बोला ना उठना। What? अरे व्हाट व्हाट, एक पंच दूंगी ना तो वाट लगेगी तेरे थोपड़े की। जाके अपना इलाज करवा जल्द सड़क। तेरी भी हवा निकली, चल वटले पतली गली से। तेरे को यही सीट मिली क्या? क्या हो भाई? सीनियर सिटीजन सीट पे जा। बापुन बूढ़ा थोड़ी है। तो हैंडीकैप सीट पर बैठ। भाई टिकट का पैसा उठ जा बोला ना। उठ। भड़क बात सब जानता है मैं। साला छोकरी मिली तो हम आपके हैं। अरे छोटू आज तो साला आया है। तेरी दीदी कहाँ है? वो तो घर पर है। घर पर? अच्छा वाह तू मिल गया। दीदी को बोलना मुझे कॉल करे। सेटिंग कब से हो रही है? कुछ दिनों से। तब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तू भी तेरी बहन की तरह बहुत ही स्वीट है। एक प्रॉब्लम है। क्या? तेरी दीदी मुझे पास्ता खिला खिला के शादी के बाद मोटा कर देगी तो? अब क्या करे, सब नसीब की बातें प्यारे। बच्चा अकलमंद है। मुझे अपनी आंखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मन की आंखों से देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आप मुझे 100 रुपए देंगे जरूर रम पीने के लिए। इससे पंगा लूंगा तो फिर कपड़े फाड़ेगा, छुट्टे फेंक के जान छुड़ाता हूँ। ये ले ठन्नी और ऐश कर। ऐश? 8 आने में ऐश करूँ? इससे तो सिर्फ तेरे क्रियाक्रम की लकड़ी आएगी बे। है? 8 आने में मिलता क्या है, बाबा जी का घंटा है? मैं आँख का बहरा हूँ, तू क्या कान का अंधा है क्या? है? अबे इससे बच्चों की खाने की 0 गोली तक नहीं मिलती, और बड़े होने के बाद ये भी नहीं मिलता। ए, चाहिए तो रख वरना वापस कर दे। अबे इतना क्या बोलता है बे, छुचुंदर है तो 8 देता है, ऊपर से मुझसे रिफंड मांगता है, तू क्या बहुत बड़ा सेठ है क्या बे? ए, किसके सामने बात कर रहा है, पता है मैं कौन हूँ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर ये पकड़। इसे क्या बोलते हैं, लैपटॉप। मैं भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक हूँ और भिखारियों से 20% मुझे आता है। कुल मिला के इसका इनकम कितना है जानता है? देख तेरी होश उड़ जाएंगे। मेरा हाथ छोड़, थाम इसे। ये ले 100 रुपया, कल से इंजीनियरिंग छोड़ और भीख मांगना शुरू कर दे। वैसे भी रजिस्टर्ड भिखारी लगता है। हाँ, उसी के लायक है तू। इसलिए काले जामुन कल से तू भीख मांगना शुरू कर दे और ये टिप टॉप कपड़े छोड़ दे, नहीं तो तुझे ऐसी जगह ले जाके मारूंगा कि तू भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए भाग भाग भाग। अरे आजकल सड़क पे कुत्ते कम और भिखारी ज्यादा हो गए हैं। सर मैं आपका कुत्ता बोल रहा हूँ, जिसका अंजलि को दिल आ गया ना, वो मेरे सामने ही है। आप जल्दी आ जाइए सर, वो बास्केटबॉल ग्राउंड में खेल रहा है। ए, कट है वो। आइए सर आपको दिखाता हूँ, चलिए। कौन है इनमें से? वो जो सामने है ना, लंबा चिट्टा गोरा 6 फीट का, वही है सर। ए, उस दिन सड़क पर रिवॉल्वर लाकर देने वाला छोरा तू ही है ना, तब पड़ी याद है? क्या रे, तू अंजलि नाम की छोरी के पीछे पड़ा है? बाप का माल समझे, उसके लिए कितने पप्पड़ बेले मैंने, जाने है तू, अब उसे तू खाएगा। उस दिन तुझे जो रिवॉल्वर मैंने दी थी ना, वो अपुन की, ये देख उसकी गोलियां। भैया तू मैनू डरा रहा है? मन्ने डरा रहा है तू? हाँ, सुरताल सिंह नाम है मारा। तुझे हर गोली का हिसाब देना पड़ता है, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है, 6 की 6 खाली कर दूंगा। साले तेरा तो मैं भगा भगा कर एनकाउंटर करूंगा। तेरे पुलिस स्टेशन में जो नया हवलदार आया था उसी की तरह मेरे को मारेगा? क्या बोला तू? खोलूं क्या पोल, कैसे मारा था उसे? अरे क्या बकवास कर रहे हो? जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना उसी का मैं हेडमास्टर हूँ। तेरे जैसे 100 कमीने को ठिकाने लगा चुका हूँ मैं। फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? पद्मावती के दूसरे पति, वो भी तेरी दूसरी पत्नी है ना? वो बंदूक मेरी थी और अंजलि भी मेरी है, ट्रांसफर ले ले वरना महंगा पड़ेगा।
चल गहरे में डाल। बहुत चर्बी चढ़ गई है। ये क्या बदतमीजी है? ए! छोड़ो उस लड़की को। ए! मैं कहता हूँ उस लड़की को छोड़ दो। ओए, दफाओ, नहीं तो शूट कर दूंगा। ए! कौन से वो थारो बॉयफ्रेंड है? बहुत खुजली हो रही है तेनू। थारे को मर्द की जरूरत है? मैं हूँ ना, थारे माँ ने तुझे नहीं बताया? याद रख, आज से थारा सब कुछ मैं हूँ। साला बोल ले कि अंजलि मारी है, उससे दोबारा मिलने की अगर कोशिश की ना, थारी माँ के साथ तन्ने भी जमीन में जिंदा काट दूंगा। एक बात पूछूं? जग्गो तुमसे प्यार करता है ना? हाँ। और तुम? शायद। दीदी, तुम जग्गू से शादी कर लो, फिर मैं, तुम, मम्मी, जीजू सब बहुत मस्ती करेंगे। बैलेंस कम था इसलिए मिस कॉल दे रही थी। मैंने कॉल किया तो बोली बोर हो रही हो, मिलना है। अब तो यहाँ आधे घंटे से मैं चार्ज होकर खड़ा हूँ, पर तुम्हारे साइलेंट मोड ने मुझे बोर कर दिया है। यहाँ इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फ्री है, टॉक टाइम शुरू करो। हमेशा मुझे मिस कॉल देना पड़ेगा क्या? तुम कभी मुझे मिस नहीं करते ना? इस इनकमिंग आउटगोइंग के चक्कर में हमारा नेटवर्क डाउन ना हो जाए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ, तो इतने भोले क्यों बन रहे हो? खुद ही बात की शुरुआत क्यों नहीं करते हो? तुम बोलने का मौका दोगी तो ही कुछ बोलूंगा ना। कब से तो चुप बैठी हो, और एक तुम हो जो कुछ बोलते ही नहीं हो। मेरे इशारे तुम नहीं समझते और तुम्हारे इशारे मेरी खोपड़ी पर से बाउंसर जाते हैं। बेबी, तेरी बकबक अपने पल्ले नहीं पड़ी। कभी इसका नेटवर्क डाउन हो जाता है और कभी इसकी बातें मुझे बाउंसर जाती है। पता नहीं हमारी स्टोरी कैसे बनेगी। रोज मैं ट्रेन से सफर करती हूँ, पर तुम्हारे दिल के प्लेटफॉर्म पर ही मेरी सीटी बजती है, और कहीं नहीं। सारी रात जागती रहती हूँ, नींद ही नहीं आती है, तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मैं खुद से पूछती रहती हूँ कि क्या तुम ही मेरी जिंदगी के हम सफर हो। जब भी मैं खुद से पूछती हूँ, मेरा दिल मुझसे यही कहता है कि वो तुम ही हो। आई एम टोटली इन लव विथ यू। मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर यही बात तुम खुद कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपुन की भी तेरे को देख के घंटी बज जाती है, लेकिन आई नॉट बताएंगी यू, क्योंकि अपुन तेरे लायक नहीं है। एजुकेशन लेस हूं, जॉब लेस हूं, टपोरी गैंग का उभरता हुआ फेस हूं। फेस टू फेस अपन बहुत हैंडसम लगता है, ऐसी मार्केट में चर्चा है। पर रोकड़े के लिए अपन किसी का भी थोबड़ा बिगाड़ सकता है, इस कॉन्फिडेंस के अलावा अपन के पास कुछ नहीं है। तुम्हारी ये टूटी फूटी इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें कुछ अजीब सा अट्रैक्शन है। तुम्हारे भेजे में उलझन है, पहले दिमाग का कनेक्शन ठीक कराओ। मुझसे शादी करने का इरादा अपने दिल से निकाल दो, इसी में भलाई है। लेकिन क्यों? अपुन कितना बुरा इंसान है ये अपुन भी नहीं जानेंगे। तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो। ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से सोच लो, एक बार मैं कदम आगे बढ़ाता हूँ तो पीछे नहीं हटता। अपनी आंखें बंद करो। लोरी सुनाओगी? आंखें बंद करो ना, ध्यान से सुनना। हाँ, आई लव यू। अपने दिमाग की मेमोरी से मेरी यादें डिलीट कर दो। Oh.
क्रिमिनल हूं। अब बोलो, आई लव यू बोलो, चली जाओ। हमारी स्टोरी का कोई क्लाइमेक्स नहीं है। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अंजलि, आज काम पे नहीं जाना है क्या? उठ जाओ बेटा। शहर से बाहर किला खंडर में खून से लथपथ कई लाशें मिली हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार ये सभी सत्तम भाई के गैंग के लोग थे। एक्स टीवी के संवाददाता, फिकर हट भाई, काम हो जाएगा। भाई पूछ रहा है कि सत्तम के आदमियों को किसने मारा? भाई और कौन हो सकता है, वही पागल हो सकता है, उसी ने टपकाया होगा। कौन और कौन? तुम्हारा जग्गू, इतनी बेरहमी से दुश्मनों को सिर्फ वही मारता है। ये ले, पूछ उससे। हेलो, बोल। तुझसे कुछ पूछना था मुझे। सत्तम के आदमियों को किसने मारा? अपुन ने काय को मारने आए थे, अपुन को खुद मर गए, उसी ने टपकाया। अपनी भी बजाएगा पागल है साला, कोई भरोसा नहीं। वो साला खुद को समझने क्या लगा है, कम से कम अपुन को तो बताना चाहिए था। ये सब छोड़, भाई को फोन कर। हाँ भाई, सट्टम के आदमियों को अपने ही छोकरे ने मारा है, जग्गू नाम है उसका। भिखारी को भीख दे दीजिए। एक्सक्यूज मी, यू आर वेयरिंग ओल्ड फैशन कपड़ा, ये आपकी मम्मी के हैं। नौ से पाँच में कुछ दे दीजिए। लगते कपड़े नहीं थे तो रुमाल लपेट लिया। लगता है इसने हमारी बिरादरी में शामिल होने की सोच ली है। आजा, भीख मांग ले। भीख मांगने के लिए दम नहीं चाहिए कमीने, मुझे रंग चाहिए तेरा दम निकालने के लिए। इतना तो साल में कमाता है ना, उतना तो मैं सिर्फ टैक्स भरता हूँ। अगर दोबारा तेरी आवाज मेरी कान तक घुसी तो मैं तेरा कीमा पाव बना दूंगा। अरे निकाल के मारूंगा। जो तुझे भीख में दूंगा चुपचाप ले लेगा। ज्यादा डिमांड करेगा ना, तुझे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा, समझा? आप इमोशन में काले पड़ गए हो। कुत्तों और भिखारियों से नफरत है। ओह माय, दादा माय, भीख दादा भाई। अरे शरबत पी दो। गोल गोल नानी तो दिया है। आज मैं तुझे तेरी नानी याद दिला दूंगा। सेठ, इस बच्चे को जितना मारो डांटो बिल्कुल भी नहीं रोता। इस हट्टे कट्टे को देखकर तो कोई भीख भी नहीं देता। मुझे रिप्लेस करके दूसरा दो। इस बच्चे की अम्मा मुझसे 1000 रुपए एडवांस लेकर गई है। नया बच्चा आने तक इसी से काम चलाना होगा। सेठ मालिक, मुझे भी हरी पत्ती दे के जमाना हो गया। इन चवन्नी अठन्नी से कुछ नहीं होता, मुझे भी 4 रस्ते पे शिफ्ट करा दो ना। साला काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। हमारी भिखारी कंपनी में फील्ड वर्क पे जाने से पहले 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। तुझे 6 महीने भी नहीं हुए, पैर दबा। सर, एक आदमी हमें पैसे नहीं देता। 18 से ज्यादा नहीं। अच्छा, उससे कुछ खर्चा पानी दीजिए ना। नहीं तो हमें क्या बोला उसने, छक्कों में शामिल होना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा वो? बोलो कहाँ हो? क्यों कहाँ हो बोलो ना। चिंच पोकले के 4 रास्ते पे खड़ा है। कितना झूठ बोलते हो तुम, तुम मेरे आसपास ही हो। ये तो अंतर्यामी है। जग्गू, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास हो। इतने पास होकर भी क्यों मुझसे दूर जाते हो? जब भी कोई रोमांटिक फिल्म देखती हूँ तो तुम्हारी याद आती है। पार्क में कपल्स को देखती हूँ तो तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम यही हो, और बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ, आई लव यू सो मच। तुम चाहे जितना भी दूर जाने की कोशिश करो, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती रहूंगी। अपन ने कहा ना, अपन चिंच पोकले के 4 रास्ते पर है। नहीं, मुझसे इस तरह मुंह मत छिपाओ। मेरा दिल कहता है तुम यही कहीं पर हो।
कटिंग बोल रहे, दो स्पेशल दे रहे। अबे दिन में कितना भूखता है बे तू? तो ये है तुम्हारा चिन पोकली का चार रास्ता। चाय पी के आए गोइंग उधर इच। शकल देखी तुम्हारी, झूठ भी नहीं ठीक से बोल सकते। अपने थोपड़े के बारह तो वैसे ही बचे हुए हैं। तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम यहाँ नहीं हो? अब क्या बाथरूम जाने के लिए भी तेरे को पूछना पड़ेगा? तुम आसपास रहोगे तो पता नहीं चलेगा क्या? मुझे तो पता नहीं चला। किसी से प्यार करो तो पता चलेगा। मतलब तुम किसी से प्यार करती? अभी तक तो करती थी, पर अब अपना इरादा बदल रही। भलाई का जमाना ही नहीं रहा, मैंने इस छिपकली की तारीफ क्या कर दी? ये तो यहाँ आकर मेरे गले ही पड़ गई। तुम कभी नहीं सुधरोगे। I hate you। चिल्ला मत, गला बैठ जाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ यू गोइंग। टेंशन। तेरी वाली कहाँ है? मसाज पार्लर। वो भी ऐसी जिद्दी है क्या? दिमाग का भाजी पाला बना दिया, कौन पालेगा इनको? आज की बात मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। कोई सी रिक्शा में बिठा के आओ यार। चार बार ऐसी एंट्री मारेगी तो चाय ठंडी हो जाएगी। अरे मेरे देवदास, पारो चले गई। अबे तेरे बाप की क्या सिगरेट की फैक्ट्री है? भाई अली भाई इंडिया आ रहा है। इस बार वो गया, जैसे ही वो इंडिया में पैर रखेगा उसकी अर्थी उठेगी। मैंने अपनी आधी जिंदगी क्रिमिनल्स के बीच गुजारी है। जब उनके ठिकाने पता चल जाते हैं तो तुम्हारी आहट पता नहीं चलेगी। आधी रात को यूं घर आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम नॉट वार्निंग यू, यू आर नॉट ए किड। आई एम सॉरी पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो सर, अली पाशा इंडिया आ रहा है। 6 महीने बाद इंडिया आ रहा है वो। इस बार वो बचकर जा नहीं पाएगा। एक बार उसे सलाखों के पीछे डाल दूं, फिर साले की रातों की नींद हराम कर दूंगा। हिंदुस्तान में दहशत फैला रखी है, उसे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। दोबारा यहाँ फोन मत करना, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। तो थोड़ी इज्जत मन ने भी दे दे। अरे कौन है तुम लोग? कैसे घुसे? पहचान लेगा? हाँ पहचान लूंगा। ये था क्या? नहीं। ये था? ये भी नहीं। ये? नहीं। ये था? नहीं नहीं। ये वाला? नहीं। ये भी नहीं। ये मेरा आदमी है। गटर का ढक्कन बंद रख। हाँ बद्दू, और थारे लिए मार्केट आया हूँ।
जा रहे कसाई के पास से हफ्ता ले ले और 2 किलो चिकन भी ले ले। हाँ समझ गया पद्दू, वो कीमा भी चाहिए वो भी ले आता हूँ। गाजर मूली फ्रेश है ना? एकदम फ्रेश। 2 किलो बांट दे। ठीक है साहब। वो तज्जम माल है, आम मीठे है ना? बहुत मीठा है साहब, चक्कर देखो। ये क्या है? मौसम भी है साहब। दो डाल दे। सिर्फ दो? आज दो इससे कम। चल शक था तो तेरा ये हाल किया भूतनी के। जिस दिन कंफर्म हो गया तो समझ ले तू खलास। ए, कौन था वो कमीना बोलो? ए, तू पुलिस वाले को मार रहा था देखा ना? हाँ पद्दू, अरे तन्ने तो सारा दिन चिकन मटन की पड़ी रहे, यहाँ तो मारा ही कीमा पड़ गया है। जल्दी करो जल्दी, अरे बांधो बांधो, और सबर नहीं हो रहा, जल्दी करो मेरी जान। जाना इतनी भी क्या चल रही है, बांध रही हूँ। लिपस्टिक, लिपस्टिक लगा के इतने पैसे में लिपस्टिक भी लगवाएगा? ले ले और घिस घिस के ले। मर 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 मर, हंटर से मारना, हंटर से। रसिकुल, रसिकुल, जल्दी 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 घर। रसिकुल कहाँ जा रही, कहाँ जा रही है? रुक रुक, ये तंगड़ी फैला के क्या कर रहा है तू? अरे हाँ, लगता है इस कोमड़ी चोर का लेटने का टाइम हो गया है। कितनी छिछोरी हरकत कर रहा है तू, क्लास बढ़ने वाला साले। तुझे क्यों इतने झटके लग रहे हैं? ये मुझे धोखा दे रहा था, मुझे। मैं क्या अलीबाग से आया हूँ अभी? हे पंटर, हंटर से मार खाने का शौक है तुझे? मेरे हाथ से खाएगा? मैं मारू? कहते अजुन मारू, आई चगावत में तू। एक बार मेरे हाथ खोल के देख। मराठी मानुष को चैलेंज दे रहा था तू? तो मेरे को लुड़काने वाला था, मैं तेरे को तड़का देने आया हूँ। उस जग्गू कमीने ने मेरे सारे आदमियों को मार डाला, इसलिए तू खुला घूम रहा है, वरना तो साले तेरी टिकट कब की कट चुकी थी। कोमड़ी चोर साला, इसको तो पहले ही मार देना चाहिए था साला। मैंने सोचा बच्चा है जानते, लेकिन ये तो मेरा ही बाप बनने पर तुला है। ये सोनिया, मुझे ना ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, ये खटिया, ये रस्सी और ये हंटर। चल 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 चल, हंटर का मजा दिखा दो। अबे वो पहले से मरा हुआ है, गोली क्यों बर्बाद कर रहा है? चल अभी रांझे की हीर आ गई, चलो निकल दे। उस इंस्पेक्टर को क्यों मारा? उस पे शक हुआ तो धुलाई की। शक होगा तो किसी को भी मारोगे? फुल टू खल्लास नहीं किया, अब तो स्माइल गिव। क्यों करूं? अपन को पटा लिया, अपन तेरे झांसे में होल एंड सोल आ गए। एक तरफ लोगों का भरता बनाते हो और दूसरी तरफ प्यार की खिचड़ी पका रहे हो।
अब उनके अंदर लड़की पटाने की क्वालिटी है ये अपन को अभी पता चला। तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते और इन टपोरियों को तो जमाल घोटा दे दो। ये मेरे चट्टी बट्टी है, जमाल घोटा कैसे पिलाऊं? छी, फेंको इसे। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? तुमने क्या करेंग जो मैं तुम्हारे लिए करेंग? ढाबे पे मिलती हो, स्टेशन पे मिलकर टाटा बोलकर सीधे निकल जाती हो। व्हाट यू डूइंग मेरे लिए? बॉयफ्रेंड अकेला रहता है, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, नो परवाह, पूरा फैमिली पैक, टिफिन में पास्ता भरकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमता रहता है। व्हाई यू नॉट टेस्टिंग करवाइंग मी पास्ता? तो ये लो, खा लो, ठूसो मुंह में। और अगर पेट ना भरे ना तो मुझे भी खा लेना। मैं वेजिटेरियन हूँ। भगवान के नाम पे 100 रुपए की भीख दे दो। इस आवाज से मुझे नफरत है। भैया 500 रुपए की भीख दे दो। चल निकल यहाँ से। 1000 दोगे तो भी चलेगा। ये तरक्की दूंगा। भीख तो ऐसे मांग रहा जैसे हक मांग रहा है। एक मिनट, एक फुल एंड फाइनल ट्राई। भगवान के नाम पे, भिखारियों के नाम पे, इस कटोरे के नाम पे फटाफट नोटों की बारिश करवा भगवान। इस ढक्कन को थोड़ी अक्कल दे। ढक्कन किसको बुला रहे? साला भिखारी। ठीक है तो भैया, अब तो दे दो भैया, दे दो। कटोरे बजाना बंद करो, कान के पर्दे फट जाएंगे। ले लो। चल चल कोमड़ी पाड़े का डांस दिखाता हूँ तेरे को, आराम से बैठ। Hey, रुक जा। भाई के पैर छूने। भाई लागो भाई। मेरी पहना भाई। वो परसों किसी जग्गू की बात की थी तूने, किधर है वो? Hey! अबे शाने। आजकल तेरा नाम पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है, सब लोग तेरी चारती गा रहे हैं सिवाय इस डिंगरे के, पर तेरे को देखता हूं तो बहुत तरस आता है तेरे पे। और अपन को भी। जब मारी टोपी, तेरे को मुझ पे तरस आ रहा है, है? कुछ लोग मेहनत करके ऊपर आते हैं और कुछ आसानी से। रे बाबा, तेरे को लगता है अपन दूसरे नंबर वाला है ना, पर अपन तीसरे नंबर पर फिट होता है। लोगों को कुचल कर वो रायला हूं मैं, कोई नड़ा तो उसे वही मार डाला, छोड़ता नहीं अपन किसी को, सीधा ऊपर भेज देता है। जो चीज अपन को नहीं मिलता उसे छीन लेता है, उसके लिए जान की बाजी भी लगाता है, चाहे वो शौहरत हो या फिर औरत। जो अपन के आड़े आया समझो बिन भाड़े का गया, सीधा देवाचा घरी धागा। ए क्वार्टर मारता है क्या? अपन पीता नहीं। अच्छा बच्चा है लेकिन मैं पीता हूँ। हाँ तू पीता ही नहीं। शराब और शबाब अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। आपने भी कुछ उसूल है? शायर के जैसा बात करते हैं साला। फिल्म का गाना क्यों नहीं लिखता? साली लौंगी मिर्ची है कोल्हापुर की, एकदम तीखी तीखी। क्यों रे तू हमेशा ऐसी टेढ़ी बातें क्यों करता है? ये अपना पैदाइशी प्रॉब्लम है। एक बाल हटेले ने जो बताया उस पर विश्वास करके मैं तेरे को एक काम देना चाहता हूं। एक मिनिस्टर को उड़ाना है, उड़ाएगा क्या?
काम हो जाएगा। इस महीने की 14 तारीख को वो एक बच्चों के पब्लिक फंक्शन में जाने वाला है, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा दो। लेकिन वहाँ बच्चे होंगे। हाँ बच्चे तो होंगे, बच्चे भी मर जाएंगे। अरे मर्द कितने, भारत की आबादी तो वैसे भी बढ़ रही है। मिनिस्टर को मारने का होगा, आई मारिंग, पर अगर बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं मारूंगा। क्या बोला? बच्चों और औरतों को अपन नहीं मारता, ये अपनी पॉलिसी है। अरे तू नहीं मारेगा तो ये मारेगा, वो मारेगा, अरे ये भी मारेगी है। अपन किसी को मारने भी नहीं देगा। ए हटेले सटक गई है कदरी। ए फुकनीचा, ये एक बार सोच ले। सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए, अपना टॉप फ्लोर तो खाली है। अली पाशा, तुम्हारे लिए डांस बार में बैठना खतरे से खाली नहीं, जल्दी से यहां से कल्टी मार लो। Don't move, sir. Hands up. Hey. अब्दुल आजिम शेर खान, गलती किया रे तूने मुझे पकड़कर, तेरा पैकअप पक्का। पैकअप तो तेरा होगा, तुझे मैं अरेस्ट नहीं करूंगा, वरना तू साला छूट जाएगा। मित्रा कितना रोकड़ा चाहिए बोल। कमिश्नर को रिश्वत देता है। ए कमिश्नर, काय को खाली पीली नाटक कर रहा है। देख दो टाइप का मामा लोग देखा अपुन ने, एक टाइप का मामा लोग जो होता है ना वो बिंदास खुलेआम रिश्वत लेता है, और दूसरे टाइप का दिखने में कड़क दिखता है लेकिन रात को नोटों की गड्डी पर सोता है, और तू मेरे को दूसरे टाइप का मामू लगता है। अगर तेरे हाथों को खुजली आ रही है तो मेरे को बोल, अब भी के अब भी मिटा देता हूं, तू अपनी कीमत बता। कुछ करप्ट ऑफिसर की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट नहीं हो सकता। किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर से तेरी टक्कर नहीं हुई। जिस दिन तू किसी ईमानदार पुलिस वाले से टकराएगा ना तो तेरी पतलून गीली हो जाएगी, गीली कमीना। क्या गिल्ली, किधर हुई गिल्ली? क्या बोला? तेरे को देखकर पैंट गिल्ली नहीं हुई? साले पुलिस वालों को बिकाऊ समझता है, बिकाऊ आंखें दिखाएगा मुझे हा? जब हम तुझे उल्टा लटका कर चार डंडे मारेंगे ना तब साले तेरी अकल ठिकाने आएगी। तू तो सिर्फ इस मुंबई का कमिश्नर है और अपन इंटरनेशनल डॉन है। अरे तेरे से भी बड़े बड़े ऑफिसर अपन को सलाम ठोकते हैं, और तू भी ठोकेगा, तेरे को सलाम ठोकना ही पड़ेगा। कैसे करेगा तू? होगा, तेरा भी बुरा वक्त जरूर शुरू हो जाएगा, तब तो तू साले कई मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है रे येड़ा हूं मैं, तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। तुझे इतना मारेंगे कि तू सारे उल्टे काम भूल जाएगा। सुनो, ये कमीना सोने ना पाए, खाना खिलाओ पानी पिलाओ, पर अगर सोने की कोशिश करे तो फटके मारो, लात मारो। पुलिस को अपने बाप की जागीर समझता है ये। अरे ए साहब, ओ ओ काय करते हो? अरे मैं नहीं सोएगा। अरे झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं सही को बोला ना, जान चली गई ना तो भी आग खुली रहेगी। आई शपथ, खरे सांगो, आज मैं धोखना नहीं सोऊंगा। ये देखो ऐसा उल्टा बैठता हूं, तुम फिकर मत करो, मैं नहीं सोऊंगा बोला ना, तुम सो जाओ मांगता है तो, मेरी आंखें खुली रहेगी, तुम्हारी बंद करो, 24 घंटा ऑन ड्यूटी। क्यों बे लुखे, इतना टेंशन में क्यों है? तेरी भी फट गई क्या? बे येड़े तेरे को बोलिंग, कितनी फास्ट ड्राइविंग करता है। ड्राइविंग स्कूल में सिखाऊं सर। अबे तेरी तो मैं भाई भौंकिंग लाइक डॉगी, बेल मिल जाएगी। इसके मुंह मत लग, चल अंदर जा, आंटी बुला रही है। बेल एप्लीकेशन के लिए अली भाई के अरेस्ट होने का रिकॉर्ड तो चाहिए। किसी भी थाने में उनकी कोई एंट्री नहीं है। एसीपी के खास मैजिस्ट्रेट 2 दिन में वापस आ रहे हैं। अगर केस उनके पास गया तो बेल मिलने के कोई चांसेस नहीं है। ए, मिनिस्टर से बोल एसीपी को अभी फोन करे। जी सर। हेलो एसीपी, अली पाशा को तुमने अरेस्ट किया है? अली पाशा को? उसकी तो कब से तलाश है, वो किसी भी बिल में क्यों ना छुपा हो, हम एक ना एक दिन जरूर उसे पकड़ लेंगे।
जब भी वो हाथ लग जाए पहले फोन आपको ही करूंगा। ओके सर। ये क्या, वो तो बोल रहे अरेस्ट नहीं किया। ऐसे भाइयों के लिए मंत्रियों का फोन आता है। हेलो हेलो, अली भाई बोल रहा हूं। अरे अली भाई बोल रहा हूं मैं। ओनली इनकमिंग, नो आउट गोइंग। फुकटिया साला। मालिक के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे, भगवान के नाम पे, ढक्कन के नाम पे, दे 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 दे, भीग दे दे, भैया बाबा। क्या हुआ सर? यहाँ भिखारी की पूरी पलटन मिलकर मेरा कीमा मटन बना रही है सर। यहाँ सारे भिखारियों के भिखारी, भिखारी जनरल सेक्रेटरी भी खड़ा है। मेरी पतलून तक निकाल रहे सर, कुछ कीजिए सर। वो लोग तुम्हें मार रहे हैं क्या? मुझे नहीं मार रहे, भीख मांग रहे हैं। भीख नहीं देनी तो तू भी उनके साथ शामिल हो जा। फोन रख। हाँ बोलो बड़े भाई। अच्छी खबर है छोटे। क्या माल मिला उससे? अरे अपनी स्पेशल टीम लगी है उसके पीछे। अब वो कंगाल भी कटोरा लेके घूमेगा। मालिक के नाम पे, भगवान के नाम पे, कटोरे के नाम पे, दे दो बाबा। अभी बोला ना मैं, काई को टेंशन लेता है तू? नहीं सोऊंगा। अरे जोपनर ना, क्या है तेरा प्लान? बोल क्या है तेरा प्लान? ए कमिश्नर, बाल छोड़ दे, सुबह शैम्पू किया है। तो उन गुंडों के लिए होगा अली भाई, पर यहां तेरी औकात ये है। अगर ऐसा है तो मेरे को खलास कर दे। कमर में गन है ना, गोली है ना, मार दे डिशुम डिशुम। मैं तेरी जगह होता तो कब भी टपका डालता था डिशुम डिशुम। हे बाबू राव, औकात की बात करता है क्या? अरे मेरे को ले जाके क्या करेगा तू? अदालत में पेश करेगा? तिकड़े जाऊन मैं काय सांगेन माहिती है? सारे सुपरस्टारों के साथ, नेता लोगों के साथ अपना उठना बैठना है। त्यांच्या बरोबर स्टाइल मध्ये अपना फोटो भी है, वो दिखाऊंगा। फिर बड़े बड़े सोशल वर्कर, पत्रकार लोग, उनके साथ भी फोटो है। वो कब काम आएगा? अरे अपन के ही लोग है सब, एक ही टेबल पे बैठ के मिसल पाव खाते हैं हम लोग। अरे चड्डी बनियान भी एक दूसरे का पहनते कभी कभी, क्या बोलू। अरे माता रे, मेरे को लटकाने के लिए तेरे को 5-5-5-15 साल लग जाएंगे। 15 साल के बाद मेरे बाल तो ऐसे ही रह जाएंगे, लेकिन तेरा किधर का भी एक भी बाल नहीं बचने वाला। अरे साले तेरे ऊपर जाने का वक्त आ गया है, मैं ही दफनाऊंगा तुझे जमीन में। ये डा पांडू, पता है मिनिस्टर के बेटे की गर्लफ्रेंड कौन है? कौन? एसीपी की बेटी। मिनिस्टर का बेटा कहाँ मिलेगा? आओ ना, क्या सोच रही हो? ये फ्लैट किसका है? अपना ही समझो तो शुरू करें। सिर्फ किस? अरे नो अमित, क्या कर रहे हो? प्लीज शोना, मान भी जाओ, अब मूड खराब मत करो। छोड़ो ना। क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो ना बाबा। ओह क्या कर रहे हो? अब इतना क्या नखरे कर रही हो, मान भी जाओ ना प्लीज। नहीं यार, ये सब शादी के बाद। ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी। क्या पियोगी तुम? सॉफ्ट ड्रिंक चलेगा। स्वीटहार्ट, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक, नए ग्लास में लाया, कांच का ग्लास है, तोड़ना मत। चलो पी लो। सर, आपके लिए पार्सल आया। खोलो इसे। कोई सीडी है सर? हेलो। ए सीपी, तेरे लिए तोहफा भेजा है, जरा प्ले करके देख, मैं होल्ड करता हूं। प्ले करो। यस सर। नहीं।
से नहीं बचेगा। अगर अली भाई को आज नहीं छोड़ा तो पूरी दुनिया के मोबाइल में तेरी बेटी का MMS दिखेगा। हे, हे, हे। हर स्टेशन पे DVD बिकेगी। नहीं! अरे बहुत नींद आ रही रे मेरे को। ध्यान से। उसकी बेटी का वो वीडियो सब जगह फैला दो, TV पे, केबल पे, इंटरनेट पे। हाँ भाई, हो जाएगा। एक ब्लू फिल्म है, अपने न्यूज चैनल में दिखाएगा? अरे मैडम, कोई लड़की किसी लड़के के साथ सोती है, बाथरूम में साथ साथ नहाती है, ऐसे वीडियो से चैनल की TRP थोड़ी ना बढ़ती है। अगर ऐसा वीडियो दिखाऊंगा तो मेरी नौकरी तो पक्की गई समझो। आज की ऑडियंस को तो गॉसिप के लिए मसाला चाहिए, जो हम अपने चैनल में दिखाते हैं, इसीलिए तो अपना चैनल इतना चलता है। वैसे ये ब्लू फिल्म है किसकी? ACP की बेटी की। अरे फिर तो बवाल समझो, जब किसी बड़ी हस्ती की इज्जत नीलाम होती है तो पब्लिक उछल उछल के मजे लेती है। हर 5 मिनट में इस वीडियो में इतना मिर्च मसाला लगाएंगे कि ये वीडियो सीधा संसद तक पहुंच जाए। मैडम, अगर आपके पास ऐसी गर्मा गर्म खबरें हो तो मुझे जरूर बताइएगा, इस रिसेशन में प्रमोशन की बहुत जरूरत है मैम। ACP को बोल अपने घर से बाहर ना निकले, जब हमारा दिल भर जाएगा तेरी बेटी को वापस भेज देंगे। और हाँ, अगर जरा भी शान पट्टी दिखाने की कोशिश की तो छोकरी का राम नाम सत्य हो जाएगा। अभी अभी हमारे संवाददाता को एक ब्लू फिल्म की CD मिली है। हमें खबर मिली है इस वीडियो में जो लड़का और लड़की है वो जाने माने मिनिस्टर का बेटा और हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर की बेटी है। हेलो, ये सब क्या दिखा रहे हैं टीवी पर? मेरे बेटे को क्यों फंसाया तुमने? अरे लड़का है, क्या फर्क पड़ेगा? अली भाई पकड़े गए तो सिर्फ तेरा बेटा ही नहीं, तेरी पार्टी, तेरा नाम सब मिट जाएगा। भाई को तो तू छोड़ा नहीं पाया, तो उससे ज्यादा तो तेरा बेटा काम का निकला। कैसी औरत है तू? तू एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत करना नहीं आता? मारता क्या साले? चिल्लाता किस पे? आवाज नीचे रख। अली पाशा को छुड़ाने के लिए एक मासूम लड़की का सहारा लेते है साले। लानत है तेरी मर्दानगी पर थू। उसके और उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी कभी सोचा है? इतना ही वीडियो बनाने का शौक है तो तेरी माँ बहनों को अपने चमचों के साथ सुनाता क्यों नहीं? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। हितमान, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं गुरु, रुक जा। निकल साले, तेरे जैसे सांप को पालकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। निकल, दोबारा कभी सामने आया ना वही सारी गोलियां खाली कर दूंगा तेरे भेजे में। एक गन मुझे दे। बुलेट 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 दे। भूतनी के चिल्ला मत। निकलता हूं। मुझे ये VIP ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो भिखारी भाइयों बहनों? नेक्स्ट स्टेप क्या है पता है? बम फटने वाला है। टोपी, मुझे जीने दो। हैप्पी हैप्पी, अभी तक तो मेरे हाथों में मेहंदी भी नहीं लगी है यार। एक बार हनीमून मना लूं फिर बम फोड़ना। ऐसे ही अकड़ेगा तो तेरी बीवी तुझे फोड़ डालेगी। भाई अगर ऐसी बात है तो कुंवारा ही रहूंगा, पर भिखारियों से कभी पंगे नहीं लूंगा। जनरल सेक्रेटरी से बात करके एक्सट्रॉशन मनी दे दे और सेटलमेंट कर दे। शहंशाह भिखारी मान जाओ। नो, टेक अ चिल पिल, कूल डाउन। हां कूल डाउन। मांडोली करूंगा तो मुझे बकरा नहीं बनाएंगे ना? हां काले कलूटे, पूरी गैंग है हमारी। बेचारे बहुत हार्ड वर्किंग भिखारी है। मांडोली तब करेंगे जब तू एक एक भिखारी को उनके महीने भर की पगार देगा, क्योंकि तेरे चक्कर में इनका लॉस हो गया। कंपनसेशन के हिसाब से 20 जो ठीक समझो आप, जो ठीक समझो 25 लाख रुपए दे दे। अपन यही मामला सकता है। 25 लाख रुपया? मेरा घर बार बिकवाओगे क्या? अरे तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, चिकन तंदूरी पड़े। कैश देगा नहीं तो फिर से भुगतना पड़ेगा। नहीं तो जा। हैं?
साथ हमने धांधली का किया था। ये तो वही गुंडे हैं। दीदी वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तुम चुपचाप बैठो। मारते क्यों? पहचाना नहीं रहा। हाँ अबे ये किशन कहाँ गया? बोल। मेरी दीदी को छेड़ो मत। छेड़ा तो तू क्या कर लेगा? टू बाय टू। मुझे पता है उस दिन घर आकर दीदी के साथ बदतमीजी तुम लोगों ने की थी, और आज फिर से तुम लोग चालू ट्रेन में आके मेरी दीदी को सता रहे हो। मेरी दीदी को छेड़ा तो अच्छा नहीं होगा। बस अब 10 मिनट में अंधेरी स्टेशन आएगा, फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। कितना पक पक करता है बे। अरे तेरा स्टेशन तो आ गया। अबे थोड़ी देर पहले तो धमकियां दे रहा था, अब क्या हुआ? पिटने के लिए तैयार हो जाओ, आ गया तुम लोगों का बाप। ओह तो ये बचाएगा तुम दोनों को? ए बॉडी बना के खुद को हीरो समझ रहा है? चल निकल, अब उनसे पंगा लेगा, दू क्या खर्चा पानी, चल निकल। क्या आवाज है? एसीपी की बेटी की। सुन रहे? अरे नाजुक आई थी। ए चिकने, तुझा बापा ना मेरा बाजा बजाया जेल के अंदर, लेकिन मैं एकदम सीधा मानुस, कुछ नहीं कर, मगर मेरे लड़के मजा करेंगे। मेरे को तेरे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। काटती है साली, ले जाओ, खालू बालू, इसके बाप को फोन पर इसकी आवाज सुनाना। तू कभी नहीं चिल्लाती। कमीनो, मेरे डैडी तुमको खत्म कर देंगे, समझे? तुम में से कोई नहीं बचेगा, एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। तुम सबके गैंग में एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है, वो और मेरे पापा मिलके तुम सबका नामो निशान मिटा देंगे। कमीनो, कानून के हाथ से तुम बच नहीं पाओगे। थामे थामे थाम, रोक। बचने के लिए मजा कर रही है ना? है? बोलना आगे, बोलना, बोल बोल बोल, होना है तो बोल, नाउ सांग, बोलो। मुझे मत मारो प्लीज। तो नाउ सांग, सांग ना पूरी। मैं उसका नाम नहीं जानती, लेकिन उसके पापा का नाम जानती हूँ। पापा? मुझे बाप, मैं बाप तो नाउ सांग की। ए बोल। नारायण। हाँ नारायण, नारायण नारायण, फुड़ो फुड़ो सांग। नारायण पांडे। नारायण पांडे, तुझे पापा तो नाम सांग। लल्लू प्रसाद। एक पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर रातो कुटा?
किधर रहता है वो? बोलो बोलो कहाँ रहता है? बोल बोल। पुलिस ऑफिसर नारायण पांडे का बेटा, ढूंढो उसे। अली भाई, छोरे के बाप का नाम है नारायण पांडे। ये कुछ नई बात बोल? वो इंस्पेक्टर होकर रिटायर हुआ है, उसका बेटा ही अंडरकवर कॉप है। कौन है तो? उसका डिटेल्स क्या है? सारी डिटेल्स तो अभी मिली नहीं है, डिपार्टमेंट में कोई उसे जानता ही नहीं, उसके बाप की फोटो मिली है। अरे भेज 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 अभी भेज। नमस्कार मिस्टर नारायण पांडे, मैं अली पाशा। सुना है कि तू रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है? बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, है ना? तेरा बेटा स्पेशल ब्रांच में है ना? मेरे को खत्म करने के लिए वो हमारी गैंग में भर्ती हो गया है ना? ए, जरा साहब के नमूने को पेश तो करो। ये रहा। तो तू है क्या सूर्य नारायण पांडे आईपीएस? हाँ कमीने, मैं ही हूँ। अली भाई, अली भाई, इसे कुछ मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। एक उतरिया मलमार शिल तू। तुझे तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, जाने दीजिए। पापा बच्चा, ये क्या कर रहे हो आप? तुम चुप रहो, चुप रहो, कुछ मत बोलो। बहुत हो गया नाटक, पैर पकड़ो। नहीं पापा, पाया पड़। ऐसा नहीं करना पापा। पकड़, वरना नहीं छोड़ूंगा उसे। इसकी बात मत सुनो पापा, प्लीज पापा प्लीज। अरे अरे मेरे बच्चे, मेरे बेटे, अरे क्यों मार दिया मेरे बेटे को? गणेश 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 गणेश। ए, 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 ए नारायण पांडे, क्या बोला तू? इसका नाम गणेश है? मंजी, हा तुझा मुलगा सूर्य नारायण नहीं है? सूर्य नारायण आईपीएस नहीं है क्या? बोल बोल। जब मैंने इसको टपकाया तो तूने उसे गणेश कहकर बुलाया, तो ये गणेश है? तो सूर्य नारायण किधर है? शेंडी लगाया, ये तेरा बेटा नहीं है? नहीं है, ये मेरा बेटा सूर्य नारायण नहीं है, ये एक अनाथ था, सके बेटे की तरह पाला था मैंने इसे। तूने इसे मारने की हिम्मत कैसे की? तो बता तेरा बेटा किधर है? कौन है तेरा बेटा? बोल बोल, नहीं तो इधर इस तेरे को भी टपकाएगा। बोल बोल। सूर्य नारायण आईपीएस आईपीएस। इंडियन पुलिस सर्विस 57th बैच। बैच नंबर 32567, ट्रेन्ड एट देहरादून, टॉपर इन द बैच, सूर्य नारायण आईपीएस, सन ऑफ सत्यनारायण पांडे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति हमेशा तत्पर रहूंगा। जो मेरा बेटा है, मेरा खून, ऐसा बेटा जिस पर हर बाप को गर्व होता है, जिसे पाकर भारत माता भी नाश करे, वो एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जिस पर देश को नाश है। तुझ जैसी गंदगी को साफ करने के लिए उसने पुलिस की वर्दी पहनी है। सही कहा, है कहा वो?
He is undercover cop. 24 hours, 365 days on duty. Sir! बता, उसका मकसद क्या है? सफाया, सफाया कर रहा है। देश को दिमाग की तरह काटने वालों का सफाया कर रहा है। कुछ भ्रष्ट नेताओं की मौजूदगी की वजह से तुम लोगों की तादाद भी बढ़ गई। गुनाह करके कानून को हाथ में लेने वाले तुम कुत्तों का सफाया कर रहा है वो। मैं हमेशा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहा। मुझसे बदला लेने के लिए किसी ने मेरी पत्नी को मार डाला। तब से मैंने उसे एक शेर की तरह पाला। उससे संभल कर रहना। साहब के बिल में हाथ डालकर उसका गला घोंटना उसे अच्छी तरह आता है। तू जैसे भेड़ियों को वो कभी नहीं बख्शता। तू इंडिया आया नहीं, तुझे लाया गया है। और कहां जाता है? तुम बाप बेटे दोनों मिलकर मेरे को टपका देते तो माजी तो फाटली होती ना। चल अब जल्दी बता, इस वक्त उसका नाम क्या है? मैं उसका नाम बता दूंगा तब भी तू मुझे मारेगा, ना बताऊंगा तो भी मारेगा। सूरज को तो छुपाया नहीं जा सकता। तू फिक्र मत कर, वो तेरी मौत बनकर आएगा। मरने से पहले तू उसका चेहरा जरूर देखेगा। इतनी घबराहट क्यों हो रही है? जब वो मौत बनकर तेरे सामने खड़ा होगा तब तेरे बचने का कोई चांस नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा। भविष्य देखता है क्या? मुझे मार के तू चला जाएगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। जिस पल मेरी मौत होगी तेरा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला। तुझे 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 भी, तुम सबको खत्म कर देगा। आज है मार्च की 12 तारीख, मेरी मौत का दिन, और कल होगी मार्च की 13 तारीख, तेरी मौत का दिन। भाषण बहुत अच्छा देता है तू, लेकिन जब मैं तुझे मारूंगा तो तेरा बेटा तुझे देखने आएगा ना? जरूर आएगा। आते ही टपका देंगे उसे, तू सिर्फ इशारा करना। अब भी ऐसा कुछ भी मत करना बावरे। पता चला वो कौन है? वो तो मन ने भी नहीं पता। सूर्य नारायण,
एक सच्चा पुलिस ऑफिसर वो होता है जो ईमानदारी से किसी की परवाह किए बिना अपने देश के लिए अपनी जान दे दे। सर्व द पीपल, डाई फॉर द कंट्री एंड लिव लाइक लेजेंड। तुम मेरे बेटे बाद में हो, इस भारत माता के बेटे पहले हो। यू आर अ वन मैन आर्मी। मेरा भारत महान है। जय हिंद। हेलो। हाँ भाई, वो अभी भी शमशान घाट में ही है, निकलते ही इन्फॉर्म करता हूँ। अली भाई का बड़े बड़े आतंकवादियों से संबंध है, उस देशद्रोही को पकड़ के लोगों से पत्थर मरवा कर बीच सड़क पर फांसी देनी चाहिए। साला माधर डोका फिर ले, उसी को मैंने स्कूल में बॉम्ब रखने के बारे में बोल दिया। उसने मुझे अपना प्लान बता दिया है, कोई और होता तो बदल देता। ऐसा वो सोचता होगा, लेकिन मैं वाइज करूंगा। मैंने उसे मना कर दिया है, पर वो किसी और से ये काम जरूर करवाएगा। नवंबर 14 को इस काम को वो अंजाम देगा। वो हर जगह ब्लास्ट करवाने वाला है। प्लान सक्सेस होना चाहिए, इसमें नेता के साथ बच्चे भी मरेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, बॉम्ब रखने की जगह को बदल दो। चलाओ कर। इस वक्त मैं कोई भी एक्शन लेने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए कि मेरी बेटी उस कमीने के कब्जे में है। मैं उसे छुड़ा कर लाऊंगा सर। देश पे कुर्बान होने का वादा किया है, मैं अपने फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अगले 24 घंटे तक मुझे क्रिमिनल समझकर ही जी लेना। ए, अब मन्ने बुलाया। हाँ तुझे। ये सर। भाई हट 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 जा। गाड़ी में बैठ। ओके सर। ये सर। कब तक अपने फर्ज से गद्दारी करता रहेगा? क्या 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 करें साहब? कहाँ है वो? कौन सर? जानता है पुलिस की वर्दी हमें क्यों दी गई है? देश की हिफाजत के लिए, भड़वागिरी के लिए नहीं। अली पाशा, पूछ उससे कहाँ है वो। सर वो जितना बोला उतना कर। लेकिन सर मन्ने तो जल्दी पूछ उससे कहाँ है, वरना भेजा उड़ा दूंगा। हेलो सुरताल, वो वहां से निकला क्या रे? नहीं निकला भाई, जैसे ही निकलेगा मैं कॉल करता हूँ। अली भाई आप जरा सेफ जगह पर रहना, बाहर बहुत खतरा है। हाँ मालूम है मेरे को। हाँ पर भाई आप कौन सी जगह पर सेफ? मिल में हूँ। ठीक है भाई, मैं आपको फोन करता हूँ। गाड़ी चलाओ। मुँ, 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 मुँ। हेलो अली भाई। निकला करे वहाँ से। क्या निकलेगा, पहले ही पहुँच चुका है। कहाँ पे? बिन्नी मिल में। ए, उसे इधर कौन लाया? और कौन लाएगा? तू लाया? हाँ, जब आपने फोन किया तो बगल में ही बैठा था, मथे पर बंदूक रख कर कहता है फूट डालूंगा, मारे तो बच नहीं वाले थे। अरे तो इकड़े उन पहुंचला, जा ढूंढो साले को।
हाँ बोल रहे। छोरा हमारे सामने शूट कर दूं तो मन्ने कितना मिलेगा? 1 करोड़ कभी जिंदगी में देखा है क्या? दोनों बीबियों की कसम कभी नहीं देखा। 5 करोड़ दिल तुला, खत्म कर दे। मारी तो लॉटरी लग गई। तमाशा बगता क्या? मार डालो साले को, मारो। Yeah!
जिस दिन किसी ईमानदार पुलिस वाले से टकराएगा तेरी पतलून गीली हो जाएगी। गीली हो जाता है कभी कभी, जोर की लगी थी। ए, ए, ए शाने, ये क्या किया? सबको मार डाला? साले इन इंसान के बच्चों को जंगली जानवर समझकर धोया? सब मर गए? अरे तेरे जैसे हजारों ऑफिसर की तेरे ही सामने पूरी फौज खड़ी कर सकता हूं मैं, लेकिन इन सबको कहां से लाऊं? अरे 25 साल लग गए मेरे को ये गैंग खड़ी करने के लिए, सब बर्बाद कर दिया तूने। अरे जब ये छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब इनके हाथ में बंदूक और मुंह में निवाला दिया था मैंने। सगले ना ढगात पाटो लो तू फुकनी चा तू लत। किधर से आया रे बाबा तू? अरे तेरे को मालूम है आज तक मेरे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। काय पाहिजे तुला? कितना चाहिए तेरे को बोल ना, मैं देगा। तेरे को जितना चाहिए बोल, अपुन तेरे को दे देगा। तेरा डिपार्टमेंट तेरे को क्या देगा? यूनिफॉर्म पहन कर मर जाएगा ना तो 50,000 भेज देंगे घर पे। 2.5 मीटर रिबन को 50 टुकड़ों में काट देंगे और 2 घंटे तक डेड बॉडी पर रख देंगे। झाला, तू मेरे साथ चल रही है डे स्वर्ग है, जन्नत दिखाऊंगा मैं तेरे को। ए! क्या हुआ? हिम्मत नहीं हो रही है मुझे मारने की? ओ सर, सर मैं आपको क्यों मारूंगा सर? 5 करोड़ की मेरी सुपारी ली थी तूने। हेलो सर, आपकी बेटी ठीक है, अली पाशा मर गया। बट बैड न्यूज सर, दुश्मनों के हाथ हो इंस्पेक्टर सुरताल भी शहीद हो गए। ये क्या अच्छा मजाक कर लेते हैं सर? सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए, अपना टॉप फ्लोर खाली है।